अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर की बर्फी। ये हेल्दी भी है और शुगर फ्री भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इधर 1 किलो खजूर लिया है। इस खजूर का नाम है खल्लास खजूर। ये नरम रहते हैं और मिक्सर में मारने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हाथ से मैश करेंगे तो बन जाएंगे हमारी खजूर की बर्फी। अगर खल्लास खजूर आपको नहीं मिला तो आप दूसरे खजूर भी ले सकते हो, जैसे कि सफोई, सुलाज, हलवा, नबूद, सेब, खुदरी, ये सब नरम खजूर है। आपको जो भी मिलेगा इस टाइप में खजूर आप ले सकते हो। अगर आप कड़क खजूर लेते हो तो मिक्सर में मारना पड़ेगा। खजूर की बीज निकालकर हम हाथ से खजूर को मैश कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिक्सर में चलाते हैं खजूर को, लेकिन मैं इधर हाथ से ही मैश कर बनाती हूँ हमेशा। मैंने सारे खजूर की बीज निकाल लिया है और मैंने सारे खजूरों को मैश कर लिया है। अब हम बीजों को फेंक देंगे। अब हम बढ़ते हैं बर्फी बनाने की तरफ। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून खसखस डाल लेंगे और इसको लो फ्लेम पर भून लेंगे। ज्यादा मत भूनिए, सिर्फ 1-2 मिनट भून लीजिए। खसखस अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी डाल लेंगे। घी अच्छे से गरम और अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे, जो यूं है के थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता, इन सब को डालकर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम 1 टीस्पून घी डाल लेंगे। घी ज्यादा मत यूज कीजिए। घी मेल्ट हो गया है, जो हमने खजूर को मैश करके रखा था हम इसको उसमें डाल लेंगे। इसको आप दबा दबा कर भून लीजिए स्लो फ्लेम पर। पहले पहले में थोड़ा सा सख्त नजर आएगी आपको, जो मैश करने में तकलीफ होगी। जैसे जैसे वो गर्म होते जाएगी वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। खजूर को सॉफ्ट होने के लिए कम से कम 5 मिनट लगता है। ये देखिए हमारे खजूर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद में आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब हम डालेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। थोड़ी सी खसखस डालेंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निश करने के लिए। इसको हम 1 मिनट भूनने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के लिए प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। गलती से हाथ भी मत लगाइए, बहुत गर्म रहता है। ये ठंडा होने के बाद आपको जिस शेप में इसको बनाना है आप बना सकते हो, जैसे कि बॉल शेप में या बर्फी के शेप में। अभी ये ठंडा हो गया है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा घी लगाकर आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में इस बर्फी को बना लेंगे। मैं इसको बॉल्स में बना रही हूँ। मैंने बॉल्स बना लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा खसखस और पिस्ता डालकर गार्निश कर लेंगे।
बॉल्स मैंने थोड़े बनाए हैं और बचा हुआ हम रोल बनाएंगे। इसको हम फ्लैट सरफेस पे रोल कर लेंगे। हम पिस्ता और खसखस को इसके ऊपर डालकर अच्छे से दबा लेंगे। मैंने रोल अच्छे से बना लिया है। इसके ऊपर हम फॉइल पेपर रैप कर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो आप बटर पेपर भी ले सकते हो। ये देखिए 2 घंटे के बाद हमारा बर्फी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको काट लेंगे बर्फी की शेप में। इसको मैं 1/2 इंच में काट रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप पतला या मोटा काट सकते हो, लेकिन मैं इधर सिर्फ 1/2 इंच काट रही हूँ। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बच्चों को जरूर बनाकर खिलाना और घी कम से कम यूज करना। रोजाना 1 बॉल भी खिलाएंगे तो बच्चों लोग के लिए बहुत हेल्दी रहता है। ये बुजुर्ग लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे तो खजूर रोजाना 2 तो खाना ही चाहिए हर कोई। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हो। ये जल्दी से खराब नहीं होती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी को भी बजा देना। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।